पढ़ो पंजाब, बढ़ो पंजाब, मगर जब तलीमी अदारे ही नहीं होंगे तो पंजाब कैसे पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आप ननकाना साहिब को ही ले लीजिए, यहाँ के बासी गुज़िश्ता 15 बरस से यूनिवर्सिटी के क़याम के मुंतज़िर हैं, मगर बात वादों, दावों और करारदादों से आगे ही नहीं बढ़ रही। ये यूनिवर्सिटी जो है, ये सरदार मनमोहन सिंह जो सिख मुस्लिम फेडरेशन के सदर थे, उनके मुतालबे पे 2006 में उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इसकी मंजूरी दी थी। 2017 में उस वक्त वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन सदीकुल फारूक साहब थे, तो उन्होंने इसको 1.5 लाख यहाँ पैदा हो गया कि यहाँ जो है यूनिवर्सिटी ननकाना में नहीं बनेगी। कभी वो मुरीद के ले जाते थे, कभी इस्लामाबाद ले जाते थे। चुनाचे हमने 2017 में एक मूवमेंट शुरू की और मुझे उस मूवमेंट में कन्वीनर मुकर्रर किया गया। हमने जुलूस निकाले, हमने मुख्तलिफ हकूमती शख्सियात से रबते किए और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मजबूर होकर एक कमेटी बनानी पड़ी जो वफाकी वज़ीर चौधरी बरजीस ताहिर की सरबराही में थी। फाइनली ये तय हो गया कि ननकाना में बनेगी और ननकाना में उनके लिए जगह तजवीज़ हो गई और वकला के तहफ़ात भी दूर हो गए, शहरीों के भी, मुजारीन के भी, और तमाम ने जब उस पर साइन कर दिए तो फिर उस पता नहीं उसके बाद किस साजिश का शिकार हुई, आज तक यूनिवर्सिटी का काम शुरू नहीं हुआ। मकामी मज़ारों यानी छोटे किसानों को भी डर है कि यूनिवर्सिटी को ज़मीन दिए जाने से इनका रोज़गार छिन जाएगा। मज़ारीन दे शुरू तो लेके सिर्फ एक ही रहा कि अगर मज़ारीन मुतबादल रकबा दे के एडजस्ट कर दिया जाए तो सब तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक जगह तो डिस्टर्ब करने तो बाद दूसरी जगह पर एडजस्ट करने वास्ते तकालीफ मज़ारीन बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी की खातर करेंगे। और हूँ भी अगर मुतबादल दे दिया जाए दी बेस्ट, ना मुतबादल दे सकन तो कम अज़ कम यह है कि उन्होंने कंपेनसेट करने वास्ते एक मुजारीन कानूनी की सूरत 10 मरले फी एकड़ के हिसाब से दे दिए जाए, दैन भी मुजारीन एग्री ने और खुश ने जी। दूसरी तरफ सरकार का मौकफ दीगर तमाम लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ। पहले हमने एक जगह यहाँ पे इनके लिए रखी थी वेलकम गेट के पास, वहाँ पे कुछ वकला ने अपनी कलोनी का अपना पड्डा डाल दिया कि जी यहाँ पे हमारी कलोनी बनेगी। आसिफ हाशमी साहब ने ऐलान किया इसका, वो डिस्प्यूट पड़ गया जगह का, तो उसकी वजह से मसला खटाई में पड़ गया। बाकायदा चेयरमैन साहब ने हमारी एक कमेटी बनाई थी जो कि 31 जनवरी तक काम करती रही और काफ़ी हद तक वो आखिरी डिसीजन पर पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना उनकी अपॉइंटमेंट को बीइंग इलीगल सदीकुल फारूक साहब की उसको ख़त्म कर दिया। उस वक्त से अब तक हमारा चेयरमैन नहीं कोई आया, उसकी वजह से वो कमेटी भी डेड हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब तकरीबन वो मसला बिल्कुल उधर का उधर ही खड़ा हुआ है जहाँ पे था। ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट गुरु नानक यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिखों की ख्वाहिश पे बांध रही थी और वो सिख भी चाह रहे थे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने और उसकी फंडिंग भी खुद बखुद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इसकी फंडिंग हम जनरेट कर लेंगे, आपने सिर्फ अराजी देनी है, ज़मीन देनी है। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पैसे ले के या उनकी फंडिंग से यूनिवर्सिटी क्यों बनानी चाहती। सो मैं जिन्ना वेख्या कि पिछलियाँ 2-3 गवर्नमेंटा दे विच एहो ही गल होंदी है कि आखिरी जदों उन्होंने दिन आते हैं, यानी कि अगर उन्होंने 5 साल का टन्योर है तो 4 साल तो बाद इस गल थोड़ा जहा चुकते हैं और वह कहें कि यूनिवर्सिटी बस बनन लगी है, बस इफ्तिताह हो गई, बस फलां प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, पर सारे ने सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही काम किया है।